दूसरे वनडे में श्रीलंका ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया। ये मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं श्रीलंका ने 3 विकेट गंवाकर 120 रन बना ली। फिलहाल धनंजय डी सिल्वा और चरित असलंका क्रिस पर मौजूद हैं। वहीं अविष्का ने वनडे की करियर की 4th 50 भी लगाई। इसके बाद वो अपना विकेट भी गंवा बैठी। वहीं भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें कुणाल पांडे के हाथों कैच आउट कराया। वहीं अविष्का और धनंजय के बीच दूसरे विकेट के लिए 47 रनों की पार्टनरशिप भी हुई। वहीं आपको बता दें कि चहल ने 14वें ओवर में श्रीलंका टीम को लगातार 2 बॉलों पर 2 झटके दिए। उन्होंने 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर भानुका को मनीष पांडे के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद तीसरी बॉल पर भानुका राक्षपक्षा को विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराया। वहीं मिनोदा और अविष्का के बीच पहले विकेट के लिए 77 रनों की अहम पार्टनरशिप भी हुई थी। वहीं आपको बता दें कि तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने श्रीलंका की पारी के 5वें ओवर में एक नो बॉल फेंकी। ये अक्टूबर 2015 के बाद उनकी पहली नो बॉल है। हालांकि फ्री हिट पर भी भानुका कोई रन नहीं बना सके। वहीं आपको बता दें कि श्रीलंका की पारी के दौरान दीपक चहर दूसरा ओवर फेंक रहे थे। इस ओवर की आखिरी बॉल पर मनीष पांडे ने स्लिप में भानुका का कैच छोड़ दिया। उस वक्त भानुका 4 रन पर बैटिंग कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट पर 134 रन है।